नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय कला के इतिहास के अध्ययन के दौरान हम अपने चित्रकला का इतिहास के तीनों यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब शुरू कर चुके हैं भारतीय मूर्तिकला का इतिहास पढ़ना। पिछले वीडियो में हमने भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में जो प्रथम अध्याय था, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हमने अध्ययन किया था, वो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर जो इसी यूनिट का है, यानी आपके फोर्थ यूनिट का नया चैप्टर है, वो है मौर्यकालीन मूर्ति कला। मौर्यकालीन मूर्ति कला मौर्यकालीन मूर्ति कला जो है, इस मौर्यकालीन मूर्ति कला का जो समय है वो है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से, यानी ईसा के जन्म से 323 साल पहले से लेके ईसा के पैदा होने के 185 साल पहले तक, ये जो काल था वो था मौर्य काल, ईसा पूर्व। ये काल था मौर्यकालीन मूर्ति कला का। अब मौर्यकालीन जो मूर्ति कला थी, यानी मौर्य जो शासन था, उसके दौरान जो मूर्ति कला पनपी वो मौर्यकालीन मूर्ति कला कहलाती है। अब इस बात को अच्छे से समझने कि मौर्यकालीन मूर्ति कला के दो भाग अध्ययन की दृष्टि से हम करते हैं, हम मूर्ति कला का अध्ययन कर रहे हैं, मौर्यकालीन मूर्ति कला का। इस मौर्यकालीन मूर्ति कला में दो भाग की हम बात कर रहे हैं। पहली है राजकीय कला, राजकीय कला, और दूसरी है लोक कला। मौर्यकालीन मूर्ति कला के ये दो भाग हम करते हैं, एक राजकीय कला के रूप में, एक लोक कला के रूप में। पहले हम वो स्थितियां देख लेते हैं जब मौर्यकालीन मूर्ति कला पनपी और क्या क्या परिस्थितियां रही थी उस समय पर, उनकी हम थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य जो बहुत प्रसिद्ध सम्राट रहे, उसके बारे में आप सब जानते हैं इतनी सी हिस्ट्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये उनका शासनकाल की शुरुआत थी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका शासन हिमगिरी से लेकर और श्रवण बेलगोला तक, यानी भारत के ऊपर टॉप से लेकर दक्षिण तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, एक छत्र साम्राज्य स्थापित होने से उस समय पर क्या हुआ था कि एक राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक संपन्नता का, यानी शांति का माहौल था, और ऐसे में सांस्कृतिक उत्थान का युग आरंभ हुआ। यानी पूरे भारत पर एक छत्र साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र साम्राज्य होने से ये एक छत्र साम्राज्य होने से क्या हुआ कि शांति का माहौल बना, शांति की स्थिति थी पूरे शासनकाल में। और ये जो शांति की स्थिति होती है, इससे क्या है कि वहां पर आपके सांस्कृतिक उत्थान का युग आरंभ होता है, सांस्कृतिक उत्थान। इस दौर में जब सब तरफ शांति की बात हो तो सांस्कृतिक उत्थान का दौर शुरू हुआ। इस सांस्कृतिक उत्थान के दौर में मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है वो दो भागों में हम बांट कर देखते हैं, जिसके बारे में हमने बात की। एक तो है राजकीय कला और दूसरी हम बात कर रहे हैं लोक कला की। तो ये दो मूर्ति कला उस समय पर पनपी। अब राजकीय जो कला है, उस राजकीय कला में कौन कौन सी चीजें आती है जिसको हम राजकीय कला के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसमें है राजकीय कला में आपका एक तो पाटलिपुत्र का राजप्रासाद, पाटलिपुत्र ये राजधानी थी,
पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद था यानी राजमहल जो था, राजप्रसाद, ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का उदाहरण है। और जो स्तूप बने हैं वो स्तूप भी राजकीय कला के ही उदाहरण है, राजकीय कला के उसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ये जो स्तूप थे वो बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध स्तूप थे। और इसके अलावा नागार्जुन की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं जो हैं वो भी राजकीय कला के अंतर्गत आती हैं। नागार्जुन की गुफाएं और एक जो एकाश्मक वेदिकाएं बनी हैं, यानी एक ही पत्थर से जो बनी हैं, एकाश्मक वेदिकाएं, एकाश्मक वेदिकाएं, ये भी राजकीय कला के उदाहरण हैं। इसके अलावा अशोककालीन जितने भी स्तंभ हैं वो भी राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं, अशोककालीन स्तंभ, अशोककालीन स्तंभ, ये भी राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। अब ये अशोक जो स्तंभ कौन कौन से हैं वो एक बार थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। एक तो बहुत फेमस फेमस जो हम स्तंभ हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं कि अशोककालीन स्तंभ कौन कौन से हैं, तो वो आप यहां पर देखिए। एक तो है बाखीरा का सिंह स्तंभ, बाखीरा स्थान का नाम है, यानी वहां से जो प्राप्त हुआ है वो बाखीरा कहलाता है, बाखीरा का सिंह स्तंभ। बाखीरा का सिंह स्तंभ। दूसरा है संकिसा का गज स्तंभ, संकिसा भी जगह का नाम है, संकिसा से प्राप्त गज स्तंभ। तीसरा है सांची का सिंह स्तंभ, यानी सांची से प्राप्त सांची का सिंह स्तंभ। अब ये सिंह स्तंभ, गज स्तंभ ये क्या है ये भी हम बात करेंगे, सिंह स्तंभ। एक है धौली की हस्ती, यानी धौली भी जगह का नाम है। जितने भी देख रहे हैं आप ये सब स्थानों के नाम है, बाखीरा, संकिसा, सांची, धौली, ये सब स्थानों के नाम है। और यहां से जो प्राप्त स्तंभ है वो वहां का स्तंभ कहलाता है, धौली की हस्ती, यानी यहां पर हस्ती हाथी, धौले की हस्ती, ये उड़ीसा में है एक्चुअली। और सारनाथ का सिंह स्तंभ, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, सारनाथ ये भी स्थान का नाम है, सारनाथ का सिंह स्तंभ। सारनाथ का सिंह स्तंभ और रामपुरवा का वृषभ स्तंभ, रामपुरवा रामपुरवा का वृषभ स्तंभ, वृषभ मीन्स बेल, वृषभ स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ। और एक जो है वो है लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़, का यहां से प्राप्त सिंह स्तंभ। और इसके अलावा काशी, कौशाम्बी, लुम्बिनी, बौद्ध गया, यहां सब जगहों से अपने को काफी स्तंभ वहां से मौर्यकालीन मूर्तिकला के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है वो अशोककालीन जो स्तंभ है, मुख्य मुख्य स्तंभों के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो हम एक बार वापस इसको देखते हैं कि मौर्यकालीन मूर्तिकला जो है वो 323 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक चलती है। इस कला में दो पार्ट हम करते हैं अध्ययन की दृष्टि से, एक राजकीय कला और एक लोक कला। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उसने एक
छत्र साम्राज्य का स्थापना की, पूरे भारतवर्ष पर उसका एकाधिपत्य हुआ और इससे टकराव की जो स्थितियां थी, छोटे छोटे युद्ध की जो स्थितियां थी, अनिश्चितता की स्थितियां, वो खत्म हो गई और एक सांस्कृतिक उत्थान का युग प्रारंभ हुआ। तो ऐसे समय पर जो कला पनपी, वो कला के दो भाग हम करके देख रहे हैं, एक राजकीय कला और दूसरी लोक कला। राजकीय कला के जो नमूने हैं, यानी राजकीय कला के जो उदाहरण हैं, उनमें आता है एक तो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद, दूसरा है बौद्ध स्तूप, नागार्जुन की गुफाएं, एकाश्मक वेदिकाएं और अशोककालीन स्तंभ। अब अशोककालीन स्तंभों में कौन कौन से हैं उनको देखते हैं, तो बाखीरा स्थान से प्राप्त सिंह स्तंभ, संकिसा का गज स्तंभ, सांची का सिंह स्तंभ, धौली से प्राप्त हस्ती, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त सिंह स्तंभ। ये मुख्य मुख्य स्तंभ को नाम बताए। इसके अलावा काशी, कौशाम्बी, लुम्बिनी, बोध गया आदि जगहों से भी हमें और भी स्तंभ प्राप्त होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि बाखीरा का सिंह स्तंभ क्या है, एक्चुअली अशोक के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने जो विजय अभियान शुरू किया था उसमें उसने काफी युद्ध जीते और उन युद्धों की विजय के प्रतीक के रूप में वो स्तंभ गढ़वाता था, स्तंभ बनवाता था, और वो सारे स्तंभ जो हैं, वो स्तंभ जो थे उनके शीर्ष पर, यानी उसके ऊपर टॉप पर, उस शीर्ष के उसके टॉप पर एक पशु की आकृति वो बनाता था। तो उनके टॉप पर, स्तंभों के टॉप पर जिस पशु की आकृति है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। तो सिंह स्तंभ, गज स्तंभ यानी यहाँ पर हाथी बना है, सिंह स्तंभ ये हस्ती हाथी है पूरा, सिंह स्तंभ में वापस सिंह है, वृषभ में बैल बनाया हुआ है, सिंह स्तंभ में सिंह है। तो इस तरह से उसने जो स्तंभ बढ़ाए अपनी गढ़वाए विजय के प्रतीक के रूप में, उन स्तंभों के टॉप पर शीर्ष पर किसी पशु की आकृति का मूर्ति बनाई गई है, उसी के नाम पर उस स्तंभ को जाना जाता है। तो ये जो उदाहरण थे इनकी क्या क्या विशेषताएं थी ये हम आगे अभी देखेंगे। इस पार्ट को जो मूर्तिकला का अध्ययन कर रहे हैं, मौर्यकालीन मूर्तिकला का, इस मौर्यकालीन मूर्तिकला को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे राजकीय कला के बारे में, जिसके हम उदाहरण अभी देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं कि राजकीय कला में और क्या क्या खास बातें थी। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि राजकीय कला में क्या क्या खास बातें थी। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब आपके समझ में आ रही होंगी। ये जो स्तंभ है या ये जो अशोककालीन स्तंभों के अलावा जो उदाहरण है, ये सब कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कलात्मक दृष्टि से, और ये मौर्यकालीन मूर्तिकला के विकास को दर्शाते हैं। इनमें बाखीरा सिंह स्तंभ से प्रारंभ होता है। कहां से शुरुआत होती है? बाखीरा सिंह स्तंभ हमें, यानी अगर इसका हम अध्ययन करें तो जितने भी स्तंभ हमें प्राप्त हुए हैं उन स्तंभों का अगर शैलीगत अध्ययन करें तो उनको अगर हम विकास की दृष्टि से जमाएं तो शुरू में जो मूर्तियां बनी उनमें कुछ अनगढ़पन है या उनमें कुछ जो कमियां नजर आती है वो बाद में जाकर धीरे धीरे विकास के साथ साथ वो कमियां बचती नहीं है और उनमें एक रिफाइनमेंट, एक परिपक्वता आती है। उस दृष्टि से ये विकास को इस तरह समझ सकते हैं कि ये मूर्तिकला की जो परंपरा प्रारंभ हुई वो बाखीरा के सिंह स्तंभ से स्टार्ट हुई, बाखीरा के सिंह स्तंभ से। बाखीरा के सिंह स्तंभ से ये मूर्तिकला की परंपरा, ये स्तंभ की परंपरा प्रारंभ होती है, यहां से ये प्रारंभ होती है बाखीरा के सिंह स्तंभ से। इस बाखीरा के सिंह स्तंभ से जो प्रारंभ मूर्तिकला है वो पशुओं की शारीरिक रचना और संतुलन की जो परिणति है, यानी इनके जो यहां पर जो मूर्तियों में जो कमियां नजर आती है उसकी परिणति कहां होती है? सांची और सारनाथ के सिंह स्तंभों में। यानी सांची और सारनाथ के जो मूर्ति शिल्प बने हैं, सांची और सारनाथ, यहां पर जो स्तंभ बने सांची और सारनाथ के सिंह के स्तंभों में, इस मौर्यकालीन मूर्तिकला के परिपक्वता नजर आती है कि स्तंभों में, मौर्यकालीन
मूर्ति कला की परिणति होती है यानी परिपक्वता नजर आती है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? इनकी परिणति यानी बाखिरा के सिंह स्तंभ से जो प्रारंभ हुई मूर्ति कला, वो सांची और सारनाथ के स्तंभ में मौर्यकालीन मूर्ति कला की परिणति होती है, यानी ये यहां पर जाते जाते परिपक्व हो जाती है कला। अब क्या खास बातें थी? तो बाखिरा के सिंह स्तंभ पर शीर्ष पर जो बैठा हुआ सिंह है, यानी जो आपको एक थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि स्तंभ किस प्रकार का होता था। तो एक चौकी जो है, ये चौकी होती थी, इस चौकी के नीचे एक कंठा होता था। इसके बारे में मैं टेक्निकली आपको अलग से बताऊंगा। ये कंठा होता था चौकी के नीचे, और उसके ऊपर जो होता था, उस कंठे के नीचे जो होता था वो होता था बैठकी बोलते हैं उसको, या घंटाकृति बोलते हैं। ये इस तरह की एक आकृति होती थी जो कमल दल के समान होती थी। ये इस तरह की एक आकृति इसमें होती थी, और उसके नीचे जो होती थी वो मेखला, यहां पर एक इस तरह की एक मेखला होती थी, और मेखला के नीचे जो होता था वो होता था लाठ, यानी एक पूरा का पूरा एक पत्थर से बना हुआ जो खंभा होता था वो यहां से शुरू होता था, ये इसकी लाठ कहलाती थी पूरा खंभा। इस चौकी के ऊपर जो बनाया जाता था वो बनता था वो पशु जिसके नाम पर उसको हम जानते हैं। तो बाखेरा के सिंह स्तंभ पर यहां पर जो सिंह बना था, इस तरह से जो भी सिंह यहां पर बना था, वो सिंह जो था उस बाखीरा के स्तंभ पर जो बैठा हुआ सिंह था, वो सिंह जो है वो सुव्यवस्थित नहीं था। यानी हम अगर मूर्ति कला के विकास क्रम की दृष्टि से बात करें तो सिंह की आकृति जो वहां पर बनी है प्रारंभिक दौर में, वो सुव्यवस्थित नहीं है। ये असामान्य मुद्रा में बैठा हुआ है। ये बाखीरा का सिंह स्तंभ की बात कर रहे हैं हम, बाखीरा बाखीरा के सिंह स्तंभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाखिरा के सिंह स्तंभ की बात करें तो यहां पर जो बैठा हुआ सिंह है उसकी आकृति सुव्यवस्थित नहीं है, और दूसरी बात वह असामान्य मुद्रा में बैठा हुआ है, असामान्य मुद्रा में बैठा हुआ है। और इसी प्रकार संकीसा का गज स्तंभ, यानी ये तो है वह बाखिरा का, और हम बात कर रहे हैं एक संकीसा का, ये भी प्रारंभिक दौर का ही है यानी शुरुआती दौर का है। संकीसा से जो गज स्तंभ प्राप्त हुआ है, ये संकीसा का गज स्तंभ भी, इसका जो हाथी बना हुआ है इस स्तंभ के ऊपर, वो हाथी की जो प्रतिमा है वो भी दबी हुई लगती है। हाथी की प्रतिमा यानी जो मूर्ति या टॉप पर बनी हुई है वो प्रतिमा दबी दबी सी लगती है, दबी हुई प्रतीत होती है। समझ में आ रही बात? तो ये प्रारंभिक दौर के जो मूर्ति शिल्प हैं इनमें जो प्रारंभिक बात थी वहां पर परिपक्वता नहीं आई थी। तो ये संकीसा का गज भी दबा हुआ लगता है, और शरीर में संतुलन का अभाव है, ये संतुलित नहीं लगते, इनमें संतुलन का अभाव है। तो ये बातें जो थी, ऐसे रामपुरवा के जो वृषभ स्तंभ है उसकी मूर्ति जो बनी है वो आगे उत्तम स्थिति की बनी है। तो ये बात आप समझ लें। इसके बाद हम अगले अध्याय में आगे के जो नमूने हैं या आगे के जो उदाहरण हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहां आज इतनी सी बात हम समझ लेते हैं कि मौर्यकालीन मूर्ति कला जो है वो 323 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक जाती है। उस कला के दो भाग हम देखते हैं, एक राजकीय कला के रूप में, एक लोक कला के रूप में। राजकीय कला के रूप में जो उदाहरण हम देखते हैं वो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद, बौद्ध स्तूप, नागार्जुन की गुफाएं, एकाश्मक वेदिकाएं और अशोक स्तंभ, जिसमें हमने अशोक स्तंभों के बारे में बात की, जिसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। बाखिरा का सिंह स्तंभ, संकीसा का गज स्तंभ, सांची का सिंह स्तंभ, धौली की हस्ती, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ, ये जितने भी स्तंभ प्राप्त हुए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रारंभिक दौर की बात हमने इस वीडियो में की जिसमें बाखिरा का सिंह स्तंभ और संकीसा का गज स्तंभ, यहां से जो परंपरा प्रारंभ हुई इसमें
प्रारंभिक अवस्था इसकी देखते हैं कला की, जहां पर ये पूर्ण विकास नहीं हुआ था और इसमें कुछ कुछ कमियां नजर आती है जो हमने देखी गई। वहां पर जो बना हुआ है वो सुव्यवस्थित नहीं है, संतुलित नहीं है, उसके अनुपात में दिक्कत है। यही बात हमें संघीय सागर गजस्तंभ में नजर आती है कि वहां भी संतुलन का अभाव है। आगे के वीडियोज में हम इसको और विकास क्रम को देखेंगे, तो आप एक बार इसको पढ़ें और फिर आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।